वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। तो पिछले वाले कुछ वीडियो के अंदर हमने एड्रेसिंग मोड समझे थे और आज हम इन्हीं एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हमें इफेक्टिव एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मान लीजिए कि आपके पास में कुछ रजिस्टर्स के कॉन्टेंट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है कि आई हैव वन रजिस्टर कॉल्ड AX और इस AX के अंदर मेरे पास में जो वैल्यू है वो है 1000 इन हेक्साडेसिमल, 1000 इन हेक्साडेसिमल। लाइकवाइज मेरे पास में एक और रजिस्टर है BX जिसके अंदर की वैल्यू है 2000 इन हेक्साडेसिमल। इसी तरीके से मेरे पास में सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है SI जिसके अंदर वैल्यू है 3000 इन हेक्साडेसिमल। और इसके अलावा मेरे पास में एक और रजिस्टर है DI जिसके अंदर वैल्यू है 4000 इन हेक्साडेसिमल। अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और हमको इन इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसिंग मोड बताने हैं और साथ में हमको बताना है कि इनका फिजिकल एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा प्रोसेसर के अंदर। तो सबसे पहले लेट्स से पहला जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो है मूव AX कॉमा और ब्रैकेट में मेरे को दिया हुआ है 5000H। तो पहली चीज जो आपको इसमें सॉल्व करनी है वो करनी है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस का एड्रेसिंग मोड कौन सा है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में एक वैल्यू दी हुई है 5000 इन हेक्साडेसिमल और क्योंकि ये वैल्यू हमको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर विजिबल है तो ये जो इंस्ट्रक्शन मोड होगा ये हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। दूसरी चीज आपको जो इसमें निकालनी है वो निकालनी है कि आप इसका फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेगमेंट एड्रेस और साथ में आपको पता होना चाहिए ऑफसेट एड्रेस। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में जिसमें हम डेटा पर ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां से डेटा को पिक करके कहाँ पर लेकर आएगा, मेरे डेस्टिनेशन रजिस्टर में, AX रजिस्टर में। तो जहां पर भी मैं डेटा पर ऑपरेट कर रहा होता हूँ तो मुझे सेगमेंट एड्रेस हमेशा DS रजिस्टर के अंदर मिलता है और मेरा जो ऑफसेट एड्रेस है वो मुझे इस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली विजिबल है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस जो है वो मेरा कितना हो गया है 5000 इन हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे मैं DS की एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है तो DS की हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि DS की वैल्यू है 2000 इन हेक्साडेसिमल, यही वैल्यू मैंने DS के अंदर अज्यूम कर ली। ठीक है, अब आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कैलकुलेट होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय सेगमेंट एड्रेस। तो सेगमेंट एड्रेस कितना है मेरा DS जिसकी वैल्यू है 2000 इन हेक्साडेसिमल, तो ये हो जाएगा 2000 इन हेक्साडेसिमल और साथ में मैं इस वैल्यू को ऐड करूंगा मेरे ऑफसेट एड्रेस के साथ में। तो जब 10 इंटू 2000 करूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिल जाएगी ऑब्वियसली 20000 और अब ये जो भी वैल्यू है इसके साथ में मैं ऐड करूंगा मेरा ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में सीधा सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑफसेट एड्रेस है मेरा 5000, तो ये हो जाएगा 5000 और ये दोनों ही वैल्यू हेक्साडेसिमल में है, इसको मैं ऐड कर लूंगा तो 0005 and 2। तो ये जो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन है मूव AX कॉमा 5000, इसका इफेक्टिव एड्रेस जहां पर से डेटा आएगा मेमोरी में वो आएगा 25000 इन हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन में से। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यूनिट वन में हमने देखा था कि हमारे पास में जो टारगेट माइक्रो कंट्रोलर है वो है 8086। 8086 प्रोसेसर के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि कितनी एड्रेस लाइंस अवेलेबल हैं तो आपको याद होगा कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन 8086 वो होती है 20। यहां पे आप देखेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं तो हर एक जो डिजिट है वो 4 बिट्स ऑक्यूपाई करेगी। तो ये है डिजिट नंबर 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
और हर एक डिजिट जो है वो कितनी बिट्स ऑक्यूपाई करेगी। जैसे जीरो को रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे बाइनरी में, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट 0000। लाइकवाइज अगर मेरे को इस 5 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो ये होगा 0101। 2 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 0010। और इस तरीके से आप इसको पूरा लिख सकते हैं, इन दो जीरो को भी आप लिख सकते हैं। तो जो टोटल बिट्स आपकी जनरेट होंगी वो कितनी बिट्स जनरेट होंगी, आपकी 20 बिट्स जनरेट होंगी। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हमारी कितनी है 20, तो हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमेशा कितने बिट का होगा, 20 बिट का इफेक्टिव एड्रेस जो है वो आपका कैलकुलेट होगा। और इस तरीके से ये हमारा 25,000 जो कि 20 बिट का नंबर है, 20 बिट का बाइनरी नंबर है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स के हेल्प से इसको समझ सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर मेरे पास में एक और इंस्ट्रक्शन है, मूव एक्स कॉमा, और ब्रैकेट में मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है bx। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, आपको एड्रेस सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। और आप यहाँ पे कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, आप जनरल डेटा रजिस्टर bx यूज कर रहे हैं, तो जो एड्रेसिंग मोड होगा वो होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अच्छे से समझा हुआ है। अब इसके बाद इसका भी फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है मुझे, तो फिजिकल एड्रेस जो है बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। सेगमेंट एड्रेस आपको मिलेगा डीएस में से, ऑफसेट एड्रेस आपको मिलेगा बीएक्स रजिस्टर में से जिसकी वैल्यू है 2000, और फिर आप उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट। तो फिजिकल एड्रेस हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। 10 मल्टीप्लाइड बाय सेगमेंट एड्रेस कितना है मेरे पास में, तो सेगमेंट एड्रेस मेरा डीएस में रहेगा जो कि मैंने मान लिया है कि 2000 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2000। साथ में ऑफसेट एड्रेस कितना है, तो ऑफसेट एड्रेस आपको रजिस्टर bx में दिया हुआ है, bx के अंदर कितनी वैल्यू है ये भी 2000 है, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं या यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 और ये वाला 2000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है 22000 इन हेक्साडेसिमल। यहां पर भी 5 डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये एड्रेसिंग मोड, ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका, ये जो एड्रेस है ये भी एक 20 बिट का एड्रेस है। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो मेरे पास में एग्जांपल नंबर 3 है जो है आपका मूव एक्स कॉमा, ब्रैकेट में मैं यहां पे कुछ एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से 15, और यहां पर लिखा हुआ है bx। अब यहां पर ये जो एड्रेसिंग मोड है ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर bx लिखा हुआ है, लेकिन साथ में आपको ब्रैकेट के बाहर 15 लिखा हुआ है। या फिर इसी इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक और भी तरीका होता है जो हमने पहले एड्रेसिंग मोड में समझा था, वो हो सकता है मूव ax कॉमा, आप लिख सकते थे bx प्लस 15। इसी इंस्ट्रक्शन को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, तो ऑफसेट एड्रेस आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, bx की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दी हुई है 2000, उसमें आपको कितना जोड़ना है 15, और आपका जो सेगमेंट एड्रेस है वो फिर से आपको मिलेगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू है 2000। इस तरीके से आप इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका सेगमेंट एड्रेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डीएस की वैल्यू के बराबर जो कि है मेरा 2000 इन हेक्साडेसिमल। मेरा ऑफसेट एड्रेस कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा हुआ है bx और bx के अंदर वैल्यू है 2000। साथ में ब्रैकेट के अंदर एक और वैल्यू दी हुई है 15 जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वैल्यू हो गई है 2015 इन हेक्साडेसिमल। अब आप इसको सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सेगमेंट एड्रेस के साथ में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय सेगमेंट एड्रेस, अगेन ये हो जाएगा 20,000 इन हेक्साडेसिमल, और ऑफसेट एड्रेस आप इसमें ऐड कर देंगे जो कि है 2015, तो ये हो जाएगा 51022 इन हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से आपका
एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका फिजिकल एड्रेस जो है वो हो जाएगा 22015 इन हेक्साडेसिमल। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे हमारे सभी एड्रेसिंग मोड्स जो हैं, जो पॉपुलर एड्रेसिंग मोड्स हैं, वो सभी पॉपुलर एड्रेसिंग मोड हमारे रिकॉल हो जाए। तो मेरे पास में चौथा एग्जाम्पल है, यहां पर मेरा जो एग्जाम्पल है वो है मूव AX, कॉमा ब्रैकेट में यहां पे है मेरे पास में BX और उसके अलावा मेरे पास में है SI। तो ये एड्रेसिंग मोड कौन सा है हमारा? BX जो है वो हमारा जनरल डेटा रजिस्टर है, SI हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है। इन दोनों रजिस्टर के कंटेंट्स को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे क्योंकि हम BX रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं और इंडेक्स रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एड्रेसिंग मोड होगा आपका, वो एड्रेसिंग मोड होगा आपका बेस प्लस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। यहां पर आपका एड्रेसिंग मोड कौन सा था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो ये था रिलेटिव रजिस्टर बेस एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, और यहां पे आपका हो गया बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब इसके बाद में फिजिकल एड्रेस बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो हो जाएगा आपका ऑफसेट एड्रेस, और डीएस जो रजिस्टर है, जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, उसके अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है 2000, वो आपका हो जाएगा सेगमेंट एड्रेस। तो सेगमेंट एड्रेस जो है वो हो जाएगा आपका डीएस के बराबर, जिसकी वैल्यू है 2000, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 20,000। और इसके बाद में फिर आ जाएगा मेरा SI, तो SI की कितनी वैल्यू है और BX की कितनी वैल्यू है, तो मेरा जो ऑफसेट एड्रेस है वो कैलकुलेट होगा BX, BX में कितनी वैल्यू दी हुई है आपको 2000, प्लस आपका SI, SI में आपको कितनी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है आपकी 3000, तो ये आपका हो जाएगा 5000 इन हेक्साडेसिमल। इसको ऐड करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 25,000 इन हेक्साडेसिमल, और एड्रेसिंग मोड आपका हो जाएगा बेस प्लस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो यहां पर हमने एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लिया है कि हमारे पास में हम फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं सेगमेंट एड्रेस से, और साथ में हम ऐड करते हैं हमारा ऑफसेट एड्रेस। और हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं जहां पर हम फिजिकल एड्रेस को चेक कर सकते हैं और साथ में हम एड्रेसिंग मोड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।